जो वीडियो तुम अभी देखने वाले हो वो है पार्ट 2। अगर तुमने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो आई रेकमेंड कि तुम जाके पहले पार्ट 1 देखो और उसके बाद पार्ट 2 देखो। और अगर तुमने पार्ट 1 देख लिया है तो ये वीडियो भी तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। एंजॉय। नेक्स्ट जो स्टोरी है वो इतनी ज़्यादा फक्ड अप है, वो इतनी ज़्यादा फक्ड अप है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो सकता है। एक फादर था जिसका नाम था केनेथ फ्रीमैन, उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था विकी। केनेथ अपनी बेटी विकी को काफ़ी ज़्यादा टाइम से सेक्सुअली अब्यूज़ कर रहा था और उन सारी एक्टिविटीज़ को वो रिकॉर्ड करके इंटरनेट पे डालता था। इंटरनेट पे जब वो इन वीडियोज़ को डालता था तो उससे वो वीडियोज़ परचेज कर ली जाती थी डार्क वेब पे। कम से कम 4 साल तक फ्रीमैन यही करता रहा, वो अपनी बेटी को अब्यूज़ करता रहा 4 साल तक और वो सारी वीडियोज़ डार्क वेब पे सेल करता गया। 4 साल के बाद जब उसे पकड़ा गया तो उसको 50 साल की जेल हो गई थी। इन 4 सालों में जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वो वीडियोस और ज़्यादा एक्सट्रीम होती गई और ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती गई। केनेथ और ज़्यादा अब्यूज़ करने लग गया था अपनी बेटी को। उसकी बेटी इतना ज़्यादा स्कार्ड थी कि वो बता भी नहीं पा रही थी और कंप्लेन भी नहीं कर पा रही थी पुलिस को कि उसके साथ हुआ क्या है। केनेथ फ्रीमैन के पीछे जब पुलिस लगी तो वो चाइना भाग गया, लेकिन चाइना में जाके भी उसे पकड़ लिया गया। पकड़े जाने के बाद उस पर पूरा केस फाइल हुआ, सब कुछ, उसे पनिशमेंट भी मिली 50 साल की जेल की। लेकिन अभी मेन चीज़ ये है कि जो वो वीडियोस थी विकी की वो अभी भी डार्क वेब पे सर्कुलेट हो रही है। द फक्ड अप थिंग इज कि वो वीडियोस जो इतने सालों पुरानी है और जब विकी छोटी थी, लाइक जब 4-5 साल पहले की जो विकी थी उसकी वीडियोस अभी भी डार्क वेब पे सर्कुलेट हो रही हैं और उसके बायर्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इसलिए डार्क वेब पे नहीं जाते हैं बिकॉज यू डोंट नो तुम्हें कब क्या मिल जाए और तुम्हें कब कौन क्या सेल करने लगे। इट्स वेरी वेरी डिस्टर्बिंग। और ये खाली विकी का केस ही नहीं था, ऐसे बहुत सारे केसेस और बहुत सारी वीडियोस पूरे डार्क वेब पे सर्कुलेट कर रही है। जो मैं स्टोरी अब बताने वाला हूँ इट्स लाइक मेरे को सोच के ही मैं लाइक डिस्टर्ब फील कर रहा हूँ। जो वीडियो तुम अभी देख रहे हो इसके अंदर तुम देख सकते हो कि एक इंसान आराम से बैठ के सूप पी रहा है, उसके पास एक बहुत ही बड़ा स्पून है और वो चुपचाप सूप खा रहा है। जैसे जैसे ये वीडियो प्रोग्रेस होती है पीछे से 2 बड़े बड़े फिगर्स आते हैं, 2 इंसान बहुत बड़े बड़े कॉस्ट्यूम पहन के उस इंसान के पास आते हैं। वो जब उस इंसान के पीछे आके खड़े होते हैं तो वो उसकी पीठ पे आराम से अपना हाथ फेर रहे होते हैं। कुछ सेकंड्स के बाद वो इंसान रोने लग जाता है और बहुत ज़्यादा रोने लगता है, लेकिन वो तब भी सूप खाता रहता है। ये वीडियो काफ़ी डिस्टर्बिंग है देखने में, लेकिन जब ये वीडियो रिलीज हुई थी और जब ये वीडियो वायरल हुई थी लोगों के बीच में तो इसके साथ एक कॉन्टेक्स्ट भी दिया गया था कि इट्स वेरी पॉसिबल कि इस वीडियो के अंदर जो इंसान वो सूप खा रहा है उसके अंदर पॉइजन है और उस इंसान को फोर्स करा गया है वो सूप खाने के लिए। वो फोर्सफुली वो सूप खा रहा है और उसके पीछे वो 2 फिगर्स बस उसे सहला रहे कि एवरीथिंग्स गोना बी ऑल राइट, विच इज़ वेरी वेरी डिस्टर्बिंग। एक और पॉसिबिलिटी जो इसके साथ दी गई थी वो इससे भी ज़्यादा फक्ड अप है, इज़ दैट कि काफ़ी सारे लोगों ने क्लेम करा कि जो इंसान उस वीडियो में वो उसे जानते हैं और वो इंसान उसकी पूरी फैमिली एक साथ गायब हो गई थी और जो सूप वो खा रहा था इट्स वेरी पॉसिबल कि उस सूप के अंदर उसी के फैमिली मेंबर्स के बॉडी पार्ट्स हो। किसी को नहीं पता कि उस सूप में क्या था और वो एक्चुअल वीडियो क्या थी, लेकिन जब ये कॉन्टेक्स्ट दिया गया था इस वीडियो के साथ और ये जब वीडियो वायरल हुई थी तो लोगों की रातों की नींद उड़ गई थी क्योंकि उनसे बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, कि ऐसी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती है डार्क वेब पे। ऐसी ऐसी टाइप की भी कस्टम वीडियोस बनाई जाती है डार्क वेब पे और ऐसी वीडियोस बना के सेल करी जाती है। किसी को नहीं पता कि उस सूप में क्या था। टिल डेट ये पूरी वीडियो एक मिस्ट्री है, कोई फिगर आउट नहीं कर पाया कि इसमें हो क्या रहा था। इट्स वेरी 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 क्रीपी एंड वेरी डिस्टर्बिंग। इस वीडियो के बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, बस एक चीज़ बता सकता हूँ कि इस वीडियो को ऐसे मेंशन करा जाता है कि जो ये वीडियो देखता है उस पर कर्स लग जाता है। इट्स वेरी पॉसिबल कि वो वीडियो देख के तुम्हारे ऊपर एक कर्स लग जाए, एक श्राप लग जाए और इस वीडियो को देख के तुम्हें बहुत अनईजी फील हो सकता है। इट्स वेरी पॉसिबल कि तुम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील करो, तुम्हें ब्रेन डैमेज हो सकता है इस वीडियो में ऐसी ऐसी चीज़ें। द ग्रिफ्टर जो वीडियो है वो सबसे ज़्यादा रेयर वीडियोज़ में से एक है डार्क वेब की, जो डार्क वेब पर सर्कुलेट होती है और बहुत बहुत कम लोगों ने देखी है। कहा जाता है कि जो लोग ये वीडियो देखते हैं वो लाइक कुछ दिनों बाद गायब हो जाते हैं। किसी को नहीं पता होता कि वो लोग कहाँ गए हैं, क्यों गए हैं, क्यों गायब हो गए, किसी को कुछ नहीं पता। और ये वीडियो भी एक मिस्ट्री है डार्क वेब की। काफ़ी सारे डार्क वेब यूज़र्स बोलते हैं कि हाँ ये वीडियो एग्जिस्ट करती है लेकिन इसको देखना नहीं है। तो अगर तुम कभी डार्क वेब पे जाओ और द ग्रिफ्टर करके तुम्हारे सामने कोई वीडियो आए तो ध्यान रखना। सेकेंड लास्ट वीडियो इज़ वेरी वेरी डिस्टर्बिंग एंड दैट इज़ ओबे द वॉलरस।
इस वीडियो के अंदर तुम एक ह्यूमन बीइंग को देख सकते हो जो बहुत ज़्यादा वीक है। इस वीडियो के अंदर वो ह्यूमन बीइंग बहुत शांत है एंड बहुत क्रीपी है फॉर सम रीज़न। जब ये वीडियो स्टार्ट होती है तो ये इंसान बस ऐसे ही रोम अराउंड कर रहा होता है और बीच बीच में आके कैमरा के अंदर देखने लगता है। लेकिन आगे जाके इस वीडियो के अंदर उसको एक फ्रॉक पहना दी जाती है, ठीक है, एक ड्रेस पहना दी जाती है और एक अम्ब्रेला दे दिया जाता है और फिर ये ह्यूमन डांस करने लगता है। ये इंसान इतना ज़्यादा वीक होता है कि ऐसा लगता है कि डांस करते करते इसके जॉइंट्स या इसके बोन्स टूट जाएंगे, लेकिन फिर भी वो ह्यूमन जो भी इंसान है वो डांस करता रहता है और इसको देखना ही इतना ज़्यादा क्रीपी और डिस्टर्बिंग है। लेकिन इस वीडियो के साथ एक और एक्सप्लेनेशन आई थी कि इट्स पॉसिबल कि ये वीडियो के अंदर जो ह्यूमन है वो एक विक्टिम है किसी ऐसी ऑनलाइन सर्विस का जो डार्क वेब पे प्रोवाइड करी जा रही है। इट्स वेरी पॉसिबल कि उसकी वीडियोस बना के सेल करी जा रही हो, उसको इतना वीक बनाया गया हो ऑन पर्पस, उसको ऐसी हालत में डाल दिया गया हो जिससे वो अपनी कस्टम वीडियोस बना सके। काफ़ी सारे लोग होते हैं ऐसे जो बहुत ज़्यादा पैसा देते हैं और डिमांड करते हैं कि हमें ऐसे टाइप की वीडियो चाहिए। तो इट्स वेरी पॉसिबल कि किसी इंसान की स्पेसिफिक डिटेल हो कि मेरे को एक ऐसे इंसान चाहिए जो बहुत ज़्यादा वीक हो और फिर मैं उसको ऐसे डांस करते हुए देखना चाहता हूँ। इट्स वेरी पॉसिबल कि ये किसी इंसान की डिमांड हो और इसके लिए किसी ने बहुत ज़्यादा पैसे दिए हों। तो ये डिमांड फुलफ़िल करने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हैं डार्क वेब पे और डार्क वेब पे ऐसे किसी ने किसी इंसान को किडनैप कर लिया होगा और उसको दिन भर दिन इतना वीक बना दिया होगा कि अल्टीमेटली वो ये वीडियो बना सके। ये वीडियो देखने में काफ़ी ज़्यादा क्रीपी है और काफ़ी डिस्टर्बिंग है और इसको देख के ही मतलब एक सेकंड के लिए सांस रुक जाती है। ये आई थिंक सबसे ज़्यादा सर्कुलेट होने वाली और सबसे पॉपुलर डार्क वेब वीडियो है जो पूरे इंटरनेट पर एग्जिस्ट करती है। द लास्ट इज रशियन स्नफ। इनिशियल डेज में जब डार्क वेब के बारे में लोगों को पता चलना शुरू हुआ था और जब लोग एक्सप्लोर करने लगे थे डार्क वेब को, आई थिंक जो सबसे स्टार्टिंग की वीडियोस थी जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी लोगों के लिए, उनमें से एक थी द रशियन स्नफ। ये वीडियो रशिया से आई थी और ये एक स्नफ वीडियो थी। तुम्हें अगर नहीं पता स्नफ वीडियो क्या होता है तो तुम जाके गूगल कर सकते हो, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ये वीडियो इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी कि इसको देख के काफ़ी सारे लोग ऑलमोस्ट शॉक में चले गए थे कि वो क्या देख रहे हैं। और जिन जिन लोगों ने ये देखी है उन्होंने इसको देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हेडेक और काफ़ी ज़्यादा अनइजीनेस फील करी थी। और इन्हीं लोगों ने जिन्होंने ये वीडियो देखी थी उन्होंने अपने अपने बारे में अपने अपने एक्सपीरियंस इंटरनेट पे लिखा हुआ है। तो द रशियन स्नफ एक बहुत ही खतरनाक वीडियो है जो डार्क वेब पे है, जो अगर तुम्हें बाय चांस मौका भी मिले देखने का तो मत देखना, लाइक इट्स वेरी 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 क्रीपी। आई थिंक रशियन स्नफ ही एक अकेली वीडियो है जिसकी ऑलमोस्ट गारंटी है कि वो वीडियो रियल है, क्योंकि उसकी फुटेज भी एकदम रियल है और उस पूरे इंसिडेंट के बारे में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी स्प्रेड हुआ था कि ऐसी एक वीडियो बनाई गई है और इंटरनेट पर सर्कुलेट कर रही है। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप तुम्हें मज़ा आया होगा इस वीडियो में। आई नो काफ़ी टाइम बाद वीडियो डाल रहा हूँ लेकिन आई वॉज वर्किंग ऑन माई मर्चेंडाइज। फिंग मर्च इज नाउ अवेलेबल, लिंक नीचे दिया हुआ है, जल्दी से जाओ एंड गेट वन फॉर योर सेल्फ। लाइक बहुत बहुत अमेजिंग क्वालिटी है, मैं मजाक नहीं कर रहा, जब से मैंने पहनी है मैं खुद नहीं उतार पा रहा। इट्स अमेजिंग, टॉप नॉच क्वालिटी है एंड गाइज जल्दी जाओ नीचे, लिंक पे क्लिक करो एंड गेट वन फॉर योरसेल्फ। जॉइन द कल्ट राइट नाउ। जैसा मैंने बोला था कि हमारा खुद का एक कल्ट है द फिंग्स कल्ट, तो जॉइन द कल्ट राइट नाउ, गेट वन फॉर योरसेल्फ। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गाइज तुम मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, फिंग एक्स्ट्रा को, जहाँ पे हम हंसी मजाक करते हैं और काफी फन करते हैं, उसका भी लिंक नीचे रहेगा। जल्दी से जाओ सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करो, गेट द मर्च राइट नाउ, अभी जाओ और जल्दी से अपने लिए भी एक मर्च लो, बहुत कूल डिजाइंस है और तुम्हें बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत अच्छी क्वालिटी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में।